हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रिसर्च एरिया वेब्स। दोस्तों, आज के चैनल में हम डिस्कस करने वाले हैं एआर डायग्राम, एआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इस वीडियोस में हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कैसे प्रिपेयर करते हैं, किन किन टर्मिनोलॉजी से हम ये डायग्राम, ये मॉडल्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि एंटिटी ना, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एंटिटीज़ क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ड्राइव्ड क्या होता है, रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, वीक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एआर मॉडल के बारे में। जैसे आपने सुना होगा, ई का मतलब होता है एंटिटी, आर मींस रिलेशनल रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एआर मॉडल। एआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एंटिटी को रिलेशनशिप करना प्लस मॉडल, उसमें मॉडल बनाना, ये हो जाता है एंटिटी प्लस रिलेशनशिप प्लस मॉडल। Entity means है उस entity, जो entity है उनमें relationship है, उनका model तैयार करना। Entity यहाँ पर हम बोल सकते हैं tables के बीच में क्या relationship बन रही है, उसका एक model तैयार करना, वो कहलाता है AR model। अब AR मॉडल डेवलप किया गया था पीटर चैन द्वारा, पब्लिश हुआ था 1976 पेपर्स में। दिस मॉडल इज हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। AR मॉडल इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये विजुअल रिप्रेजेंट करता है डेटा को, दैट डिस्क्राइब, जिससे हाउ डेटा इज रिलेटेड टू ईच अदर, जिससे ये डिस्क्राइब होता है कि जो डेटा है वो आपस में कैसे रिलेटेड है ईच अदर, एक दूसरे से। इट बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड, ये परसेप्शन होता है, मतलब एक तरह से सब जो भी एआर मॉडल बनाएगा उसका तरीका, सब लोगों का एआर मॉडल अलग बनेगा, पर उनका जो भी कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, कॉन्सेप्ट होगा, वो सेम होगा। तो ये परसेप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड है, कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम एंटिटीज बोलते हैं। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जो ये यहाँ पर स्क्वायर में आपको ऐसा दिखता है, इसे अपन एंटिटीज से डिनोट करते हैं और स्ट्रॉन्ग एंटिटीज भी बोल सकते हैं। ये इस तरह से जो आपके पास है, जो हम रिलेटेड करेंगे तो वो वीक एंटिटी से रिलेट करते हैं, एट्रीब्यूट से रिलेट करते हैं, अगर इस तरह से आएगा तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट से रिलेट करेंगे। हम इस तरह से अपनी टर्मिनोलॉजी में बताएंगे तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स बोलते हैं इसे, इसे ड्राइव एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। इस तरह से जो अपने पास डायग्राम बनता है, इसके थ्रू हम रिलेशनशिप डिनोट करते हैं। अगर डबल इस तरह से बनता है तो वीक रिलेशनशिप डिनोट करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे एंटिटीज। तो सबसे पहले हम एंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि एंटिटीज क्या है। एंटिटीज या तो कोई थिंग है और या ऑब्जेक्ट होता है रियल वर्ल्ड का, ये बोल सकते हैं। एंटिटीज कंटेंट करता है एट्रीब्यूट विल डिस्क्राइब टू दैट एंटिटीज, सो एनीथिंग अबाउट वी विल स्टोर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एंटिटीज। मींस हम जो भी टेबल में जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे, जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं हम किसी भी तरह के, वो एक एंटिटीज बनती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, एक एम्प्लॉय का डेटा हो सकता है, बैंक का हो सकता है, ये सारी चीजें एंटिटीज कहलाते हैं। एंटिटीज हम टेबल को बोल सकते हैं, ये मैंने आपसे पहले भी बोला, एंटिटीज यहाँ पर एंटिटी मीन्स टेबल। और यहाँ पर कॉलम्स को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। जैसे हमने सबसे पहले एक
ये तो हो गया एंटिटी। एंटिटी मीन्स एक स्टूडेंट। अब एंटिटी सेट क्या होता है? एंटिटी इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटीज, मतलब जो एक जैसी, जो हम टेबल्स यूज करेंगे, टेबल्स में हम जो एक जैसी वैल्यू को यूज करते हैं, वो कलेक्शन ऑफ एंटिटी सिमिलर टाइप्स के, वो एंटिटी सेट की जाती है। जैसे कि ऑल स्टूडेंट ऑफ स्कूल, जो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका एक डेटा, मतलब एक स्टूडेंट का डेटा हमने बनाया तो उसका नेम होगा, रोल नंबर होगा, ये एक एक स्टूडेंट का होगा। लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो वो सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा है, सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटी सेट है, तो वो सिमिलर सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटी कलेक्शन को ही हम एंटिटी सेट बना सकते। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, जैसे कि स्टूडेंट, यहाँ पर एक स्टूडेंट का डेटा है जिसमें उसका नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, एड्रेस, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे दूसरे स्टूडेंट का है, तो ये इस तरह से एक स्टूडेंट्स के, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डेटा यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब एंटिटीज क्या, अभी तो हमने एंटिटी पढ़ी, एंटिटी भी दो टाइप की होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी। ना स्ट्रॉन्ग क्या होती है और वीक क्या होती है वो देखते हैं पहले। जैसे हमने डायग्राम में देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी अलग उस डिनोट करते हैं, अलग डायग्राम से डिनोट करते हैं, स्ट्रॉन्ग को अलग डायग्राम से डिनोट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है? Entity have an attribute which can be used candidate key or primary key. जिस entity में हम candidate या primary key का use करते हैं entity set में, वो कहलाती है strong entity. जिस table में हम primary या candidate का use करेंगे, key का use करेंगे, वो strong entity कहलाएगी। जैसे कि एक student, इसमें role number हम ले सकते हैं, तो ये एक strong हो गई। जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी में हमने एक रोल नंबर लिया जिसमें एक प्राइमरी की है अपने पास, तो ये जो स्टूडेंट टेबल बना, ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी टेबल है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब एक स्ट्रॉन्ग टेबल है। अब वीक की बात करते हैं। वीक में जैसे कि वीक एंटिटी डज नॉट हैव एनी प्राइमरी की, जिसमें कोई प्राइमरी की नहीं होती, तो सिर्फ एक पेमेंट का हमने बनाया, जैसे कि ए टी एम है। ATM में आप गए, आपने बस अपना नाम डाला, अपना अपना की कार्ड डाला, पेमेंट निकाला, वहीं पर इश्यू होगा, उसके बाद वो सेफ नहीं हुआ, आपका कोई प्राइमरी की नहीं है, आपने सिर्फ एक वर्क करा, तो वो एक तरह से आपका वीक एंटिटी हो गया। आप इस तरह से बोल सकते हैं कि वो एक वीक एंटिटी है। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ईआर में हम अब बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की। क्या एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टी होती है एंटिटी, व्हिच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटी, जो एंटिटी के कैरेक्टर बताती है वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। एंटिटी को उसके एट्रीब्यूट से ही डिफाइन कर सकते हैं। एंटिटी टेबल एंड एट्रीब्यूट उसके कॉलम के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। ना एंटिटी एक टेबल है और उसके जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मीन्स उसके जो कॉलम है, उसके थ्रू हम उस एंटिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे आपने एक स्टूडेंट का एक टेबल तो बना लिया, उसके नेम, ये सब चीजें रखी, अब उसमें अपन को रोल नंबर भी देना है, नेम भी देना है, तो ये इसके एट्रीब्यूट होगा, तो उससे वो डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, सिंपल कंपोजाइट एट्रीब्यूट्स, सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, स्टोर्ड एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, जैसे मैंने आपको शुरू में इसके डायग्राम दिखाए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल एंड कंपोजाइट एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। सिंपल एट्रीब्यूट जस्ट अन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू पार्ट। जो सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किसी पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते, जैसे कि नेम, किसी का नाम लिख दिया, ना एज लिखती, एज भी हम डिवाइड नहीं करते, सैलरी भी डिवाइड नहीं करते, ETC भी, ना और भी एक्स्ट्रा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हम डिवाइड नहीं करते, जो सिर्फ एक ही आपने एक एट्रीब्यूट्स में दे दिया ना, वो डिवाइड नहीं होती। ना कंपोजाइट एट्रीब्यूट से सब डिवाइड हो जाता है, मतलब जैसे कि एड्रेस, एक सिटी हो गया,
आपकी एक हाउस नंबर हो गया, एक लोकेलिटी हो गई, तो ये कई चीजों में डिवाइड हो रहा है ये वाला एट्रीब्यूट आपका, तो हम इसे बोलते हैं कंपोजाइट एट्रीब्यूट। जो डिवाइड हो जाता है वो कंपोजाइट एट्रीब्यूट, और जो सिंपल एट्रीब्यूट होता है वो डिवाइड नहीं होता। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये सारे एट्रीब्यूट्स ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया, सबसे पहले एक एम्प्लॉय लिया अपन ने, यहाँ पर एम्प्लॉय में लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमने नेम दिया, नेम यहाँ पर सिंपल एट्रीब्यूट है, ये डिवाइड नहीं है। डेट ऑफ बर्थ लिया, वो भी हमने डिवाइड नहीं हो सकता। अब हमने एक एट्रीब्यूट लिया एड्रेस, लेकिन ये कई भागों में डिवाइड हो रहा है कि एड्रेस से हमने एक स्टेट एट्रीब्यूट बना लिया, सिटी एट्रीब्यूट, ठीक। तो ये कंपोजाइट एड्रेस जो होगा कंपोजाइट एट्रीब्यूट हो गया, नेम और डेट ऑफ बर्थ हो गया अपना सिंपल एट्रीब्यूट, और एम्प्लॉय क्या है, एक एंटिटी है, मतलब एक टेबल बना हुआ है। अब सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या है? तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हैव ओनली सिंगल वैल्यू, सिंगल एट्रीब्यूट्स में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आती है। जैसे पर्सन हैव ओनली वन डेट ऑफ बर्थ ना, उसकी एक डेट ऑफ बर्थ या एज लिख दी, ये सिंगल वैल्यू होगी ना। स्टूडेंट हैव ओनली वन रोल नंबर, स्टूडेंट का सिर्फ एक ही रोल नंबर होता है, ये वैल्यू की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाते हैं। इसी तरह से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है? मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या है? मल्टीपल, जिनमें कई सारे वैल्यू, जैसे कि अ पर्सन है मल्टीपल फोन नंबर, एक इंसान है उसके कई सारे फोन, एक ही बंदा है उसके कई सारे फोन नंबर है, तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक हमने पर्सन का, एक किसी यूजर का या पर्सन का हमने एक टेबल बनाया है जिसमें हमने एक एट्रीब्यूट लिया डेट ऑफ बर्थ, लेकिन वो सिंगल है, तो हमने उसे इस तरह से डिनोट करा है ओवल शेप में। और हमने फोन नंबर लिया तो उसको हमने डबल ओवल शेप में करा है, क्योंकि ये इसलिए करा है क्योंकि वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, फोन नंबर और भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम जब भी अपनी एंटिटी ईआई डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से हमें सब चीजें एक देना पड़ती है डायग्राम में। उसके बाद एक आता है स्टोर एंड ड्राइव एट्रीब्यूट्स, है ना। तो स्टोर एट्रीब्यूट्स और दोज एट्रीब्यूट विच फिजिकली स्टोर्ड इन डेटाबेस, जो फिजिकली हमने जैसे कि डेटा बर्थ दी तो फिजिकली उसकी एज सामने आ जाएगी। ड्राइव एट्रीब्यूट फिजिकली नहीं होता, उसे हमें अपने आप ही डालना पड़ता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एज इज ड्राइव एट्रीब्यूट, जैसे कि एज एक ड्राइव एट्रीब्यूट है बिकॉज इज नॉट फिजिकली स्टोर्ड इन डेटाबेस, वो फिजिकली हम उसे नहीं देते, हम सिर्फ इट इज कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ डेटा, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करके ही आपकी एज निकालेगा। तो ये हो गया अपना क्या, ड्राइव एट्रीब्यूट। उसी तरह से जैसे हमने एक लिया पर्सन लिया, पर्सन लेके हमने एज लिया, तो ये जो डॉट डॉट में ओवल शेप बनता है ये क्या बनता है, स्टोर्ड एंड ड्राइव एट्रीब्यूट, मतलब स्टोर्ड एट्रीब्यूट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, एक ER हमने डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ये पूरा जितने भी हमने एट्रीब्यूट पढ़े हमने उसको इस डायग्राम में समझेंगे। जैसे हमने एक एंटिटी ली, एक टेबल बनाई स्टूडेंट की, स्टूडेंट की टेबल हमने बना के, स्टूडेंट की टेबल में हमने क्या क्या रखा, स्टूडेंट आईडी रख दी। अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी रख दी, मतलब एक प्राइमरी की ले ली हमने स्टूडेंट आईडी में, तो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी बन गई। तो इसको हमने इसलिए इस तरह से बनाया है ना। इसके अंदर एक नेम हुआ, नेम हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हमने फुल नेम लास्ट नेम ले लिया ना, सीजीपी हमने इस तरह से ले लिया ये इस तरह। और यहाँ पर एक रिलेशनशिप बन रही है, तो जो जॉइंस लिखा हुआ है वो हमने रिलेशनशिप फॉर्म में दे दिया। रिलेशनशिप किससे बन रही है, प्रोजेक्ट ग्रुप से, एक टेबल हमने और बनाया प्रोजेक्ट ग्रुप का, इसमें हमने प्रोजेक्ट आईडी ली, मतलब ये भी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है ना। तो यहाँ पर ग्रुप CGPA, हमने यहाँ पर एक CGPA का ग्रुप बनाया, हमने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बनाया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब कई सारे यहाँ पर एरियाज हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली देना पड़ेगा कितने एरियाज है। तो इस तरह से ये डायग्राम के थ्रू हम अपने जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि डाइव एंटिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, वीक एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो वह सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एक डायग्राम में। आज के वीडियो में हमने ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, और मेरे YouTube चैनल
रिसर्च एरिया वेब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।